यस डिस्कस करते हैं 10th अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर का। पेपर कैसा है पहले मैं बता दूं, अगर पेपर मैथ्स की बात करें तो क्वाइट लेंथी पेपर है कंपेयर टू अदर पेपर्स। देखें हम शिफ्ट 1 में लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चंस काफी लेंथी थे पर कुछ इजी भी थे, तो हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। और देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा जितना भी हो उतने सही से सही करें। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी एक पेपर में आ भी चुका है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 पर 1/3 एन प्लस 2 की 1/3। और याद रखिए यहां पर एक्चुअल में ये एन प्लस एन है, ये समीशन सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लास्ट होता है। और मैंने आपको बताया था इसमें आपको केवल सिग्मा समीशन आर इक्वल टू 1 to n 1/n एफ आर बाय एन का कंसेप्ट यूज करना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। दिस इज कन्वर्ट डायरेक्टली 0 to 1 एफ एक्स फॉर्म, राइट। तो अगर देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, क्या करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस आर का पावर 1/3 अपॉन एन पावर 4/3 लिख सकते हैं। आर एन होना जरूरी और 1/ तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to 1/n 1 plus r by n 2 the power 1/3। एंड ये कन्वर्ट हो गया तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0 to, ये इनफाइनाइट तक जाता है तो 0 to 1 plus x का पावर 1/3 इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि इसलिए आप कर सकते थे 1 plus x की पावर 4/3 upon 4/3 0 to 1। अब देखिए 3/4 तो बाहर आ जाएगा एक तरह से, अब आप पहले रख दीजिए 1, तो 1 रखा तो 2 की पावर 4/3, 0 रखा तो -1, यानी आंसर होगा 3/4 into 2 power 4/3 -1। अगर ध्यान दें तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। इसमें से अगर 3/4 कॉमन ले लू तो सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट। सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आप अटेंड कर सकते थे। इस पेपर में मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज आपके अटेम्प्ट नहीं बढ़ सकते थे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 6-डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0579 बाय 11 रिपीटेशन ऑफ नंबर अलाउड। परमुटेशन के बाकी शिफ्ट के कंपेयर से करूं क्वेश्चन का तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। अब डिविजिबल बाय 11 नंबर की क्वालिटी होती है कि इवन और ऑड प्लेस के नंबर का जो डिफरेंस है आइदर डिविजिबल बाय 11 और 0 का मतलब ये हुआ कि हमें इसमें एक चीज समझनी होगी कि 3 नंबर इवन प्लेस पे लेना है, 3 and 3 6 3 नंबर इवन प्लेस के लिए लेना है याद रखिएगा, और 3 नंबर ऑड प्लेस के लिए, पर ऐसे कि इनका डिफरेंस ऑब्वियसली 11 तो नहीं सकता तो 0। तो अब नंबर क्या क्या हो सकते हैं देखिए, अगर मैं 9 plus 1 10 plus 2 ले लूं, यानी एक कॉम्बिनेशन ले लूं 9 1 और 2 का और एक कॉम्बिनेशन ले लूं 0 5 और 7 का तो प्रॉब्लम। बट 0 जब भी क्वेश्चन पीएनसी की आपको क्लास में देखिए मैंने बताया था बी केयरफुल, आप अगर यहां केयरफुल नहीं हो तो आपकी मिस्टेक होने वाली है। मान लीजिए कि ऑड प्लेस 2 आया, पहला केस ऑड प्लेस पे मैं बात कर रहा हूं 9 1 2 आया, तो 9 1 2 इन तीन प्लेस के लिए बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 to 1 वे रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इवन प्लेस पर क्या आ जाएगा, इवन प्लेस पर आ जाएगा 0 5 and 7 देन 3 to 1 देन 6 into 6 36। एक आंसर 36 भी दिया पर ये नहीं होगा। अब इसका रिवर्सिबल भी प्रॉपर है, बट वहां पर जब आप इवन प्लेस पर ले जाओगे किसको 9 1 2 को और आउट प्लेस पे 0 5 7 को तो स्टार्टिंग प्लेस 0 नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी, अगर आपने ये कैच नहीं करा तो आपसे मिस्टेक होने वाली है। अब मैं बात कर रहा हूं आउट प्लेस पर किन नंबर की, 0 5 और 7 की, और इवन प्लेस पर किसकी 9 1 2 की। तो 9 1 2 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 1 2 हो गया, बट जब इसकी बात करेंगे तो इस प्लेस पर 0 नहीं रख सकते, तो यहां के लिए 2 पॉसिबिलिटी, बचे हुए 2 प्लेस पर कुछ भी रख दें तो 2 into 2 into 1 तो 4 into 6, राइट। वहां पर 2 1 हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये बचेंगे 2 प्लेस तो 2 into 1 ये हो गया 24, यानी आपके पास आंसर होगा कितना 60 इज अ राइट आंसर, 36 plus 24। वैसे भी लॉजिक से समझिए 12 12 12 36 केस होते हैं
मतलब अगर हम देखें तो यहां पर एक नंबर जीरो से जो स्टार्ट होने वाले वो नहीं लेने हैं, वही ध्यान रखना था। तो टोटल आंसर इज 60, नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जब भी डिविजिबल बाय 11 बोले तो इवन और ऑड प्लेस पे, जैसे मान लो मैं ऑड प्लेस पे लू 9, फिर लिया 0, फिर लिया सपोज 1, फिर लिया सपोज 5, फिर सपोज लिया 2, फिर लिया 7। अब देखिए ये ऑड प्लेस है, इसका सम क्या 10 + 2 = 12, इवन प्लेस का सम क्या 12, ये डिफरेंस 0 है, यानी ये पक्का है कि 11 से डिवाइड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आप करके देख लीजिए विदाउट। तो इवन प्लेस के नंबर को ऐड करते हो और ऑड प्लेस के, और उनका डिफरेंस या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो या 0, तो यहां मल्टीपल ऑफ 11 के कोई चांस नहीं थे, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड था इसीलिए बना है। तो ये एक इसका पॉसिबल एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया कि कंफ्यूजन मत रखिए। ऑड प्लेस पे हम ऑड नंबर ये वाले नंबर ले रहे हैं तो 0 की प्रॉब्लम नहीं है, जब इवन प्लेस पर ले रहे हैं ये वाले नंबर तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। इस तरह का क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आया है, बाकी शिफ्ट में देखें तो होमोजेनियस इक्वेशन वाला था, इसमें नॉन होमोजेनियस है। दी इक्वेशन दी x + y + z = 5, x + 2z = 6, x + 3y + lambda z = mu, lambda mu belong to real number, infinite many solution then the value of lambda + mu। देखिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में आपको पता है डेल्टा, डेल x, डेल y, डेल z सभी जीरो होते हैं, तो आप सब लैम्डा निकाल लें। याद रखिएगा इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया, पर मैं इस ऑर्डर में लिखूंगा तो फायदा ही होगा कि लैम्डा एक ही बार आएगा, 1 2 2 and 1 2 2 and 1 1 1, दिस शुड बी जीरो। सॉल्व कर दीजिए, वैसे तो एक जीरो भी बना सकते हो पर उसकी भी जरूरत नहीं। देखिए 2 - 2 = 0, 2 - 1 = 1, तो 3 + 3 - λ = 0, देन λ = 3, राइट, लैम्डा की वैल्यू आ गई। देंगे अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, डेल डेड निकाल लेते हैं। डेल जेड निकालने का क्या फायदा होगा कि डेस्ट वाले कॉलम की जगह कांस्टेंट आ जाएगा, यानी 1 1 1 3 2 1, और जेड की जगह क्या आ जाएगा बोलिए, μ 6 and 5, दिस शुड बी 0, 10 - 6 = 4, 6 - 5 = 1, तो 3, एंड माइनस μ, देन μ = 7, लैम्डा आ गया, μ आ गया, दोनों ऐड कर दीजिए, यही पूछा है, तो आंसर विल बी 10, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट का मैंने बोला इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं पर कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। इक्वल टू लिमिट एक्स x³ - k³ / x² - k² देन के इज, k की वैल्यू क्या होगी, सिंपल आप चाहो तो एल हॉस्पिटल से कर सकते हो। देखो ये 4x³ होगा तो 4, ये होगा 3k² / 2k, क्योंकि 3x² / वो तो 0 हो जाएगा, / 2x, तो ये कैंसिल, तो देखिए k इक्वल टू क्या आ गया, 8/3, देन दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, द लाइन y = x टचेज अ सर्कल एट द पॉइंट 1 1, एंड द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 1 - 3, देन इट्स रेडियस। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एक सर्कल है जो कि इस लाइन को टच कर रहा है, किस पर, 1 1 पर, एक बात इस पॉइंट से भी पास हो रहा है 1 - 3 से, तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए क्या, हम चाहें तो यहां पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्कल की अगर मैं जनरल इक्वेशन, देखिए समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट करिएगा y² + 2gx + 2fy + c = 0, राइट, इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो है -g - f, राइट, अच्छा इस लाइन की ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्या, x - y = 0, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी x + y = λ पासिंग थ्रू 1 1, यानी x + y = 2, अब सेंटर को सेटिस्फाई करेगा तो -g - f = 2 या g + f + 2 = 0, एक कंडीशन आ गई, बाकी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बोला द लाइन y = x टचेज अ सर्कल एट द पॉइंट एंड द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू, तो टच कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप डायरेक्टली करिए 2g + 2f + c + 2 = 0, ऑल्सो 1 - 3 को टच कर रहा है तो 2g - 6f + c (9 + 1 = 10) = 0, माइनस कर दीजिए, ये हो गया
एफ माइनस एट इक्वल टू जीरो, यानी एफ इक्वल टू वन, एफ का वैल्यू वन रख दिया, एफ का वैल्यू वन रख दिया यहां पर, तो जी इक्वल टू माइनस थ्री, यानी जी की वैल्यू है माइनस थ्री, एफ की वैल्यू है वन, पर जब आप सेंटर में रखेंगे तो याद रखिएगा क्या होगा, यहां साइन चेंज होंगे, तो आपको एक सर्कल का सेंटर मिल गया थ्री माइनस वन। अब इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल दो, या इसका एक ही बात है, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर प्लस फोर, यानी टू रूट टू, दिस इज द राइट आंसर, टू रूट टू, या यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।